बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला स्थित रतनलाल कटारिया के परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। मिलने के उपरांत जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं रतनलाल कटारिया के परिवार से मिलने आया हूं। रतनलाल कटारिया जी ने जिस तरीके से अपना जीवन देश समाज और पार्टी के लिए लगाया वो हमेशा ही प्रेरणादायी रहेगा। पूरी तत्परता से एक तपस्वी की तरह पूरी लगन के साथ उन्होंने पार्टी समाज की सेवा करी। नड्डा ने कहा कि मुझसे वो उम्र में भले ही बड़े थे लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ एक दोस्त की तरह दिया। मुझे महसूस होता है कि वो हमेशा ही मेरे दोस्त थे और मार्गदर्शक। उनके परिवार के लोग वो पार्टी के वो लोग जो उनके जाने से दुखी हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत दें। उनके बताए रास्ते पर हम सब चलें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। उनके जीवन से लाखों लोग प्रेरणा लें यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। आज मैं यहाँ अपने रतनलाल कटारिया जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया। रतनलाल कटारिया जी जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समाज के लिए और पार्टी के लिए लगाया वह हम सबको प्रेरणा देता है। पूरी तत्परता से पूरी लगन से एक तपस्वी के रूप में उन्होंने समाज की देश की पार्टी की सेवा की। वो मेरे से उम्र में बड़े थे लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे एक दोस्त की तरह समझा और इसलिए मुझे भी यह महसूस होता रहा कि कटारिया जी हमारे साथी भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और पार्टी के लिए तत्पर होकर के काम करने वाले हैं। आज उनके परिवार से मैं मिला हूं। सबसे पहले तो शोक संतप्त परिवार और हमारी पार्टी के सभी लोग जो इस घटना से दुखी हैं उन सबको हमने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख भरी घड़ी में उनको हिम्मत दे और दूसरा उनके बताए रास्ते पर हम चलें, पार्टी को आगे बढ़ाएं और हमारे लाखों कार्यकर्ता उनके जीवन से प्रेरणा लें यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उस दिन भी मैं मुंबई में था जब उनका स्वर्गवास हुआ था, उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी सभी पार्टी वालों की तरफ से ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनकी प्रेरणा से हम सब काम में जुटे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।